हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी कि विक्टिम माइंडसेट के साइंस क्या हैं और हम कैसे उसे बदल सकते हैं। तो हम सबकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, जैसे कि किसी के साथ ब्रेकअप होना, एक्सीडेंट होना, कोई इलनेस होना, जॉब लॉस, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है। और जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो हमें विक्टिम जैसा फील होता है, हमें लगता है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, पूरी दुनिया ख़राब है और सारी गलत चीज़ें मेरे साथ ही हो रही हैं। तो जब ये इंसिडेंट्स होती हैं तब थोड़े टाइम के लिए फील होना नॉर्मल है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब हम आगे नहीं बढ़ पाते इन सिचुएशंस में से और हम विक्टिम मोड में ही अटके हुए रहते हैं। तो विक्टिम से विक्टर कैसे बने या क्रिएटर कैसे बने और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में कैसे लें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विक्टिम मेंटालिटी तीन बिलीव्स पे बेस्ड है। पहला है कि बैड थिंग्स हैपन टू मी, मतलब कि मेरे साथ ही हमेशा बुरी चीज़ें ही होती हैं। दूसरा है कि चेंज करने का या अपनी सिचुएशन को बदलने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि चीज़ें ऐसी ही रहती हैं, तो पॉइंट ही क्या है कुछ भी एफर्ट डालने का। और तीसरी चीज़ है कि दुनिया को ब्लेम दुनिया ही रिस्पॉन्सिबल है, लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो सामने वाला ही रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो उसके लिए किस्मत या दुनिया ही रिस्पॉन्सिबल है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये तीन फंडामेंटल बिलीव्स हैं जो विक्टिम माइंडसेट के होते हैं। बट और क्या मतलब ये तीन सिस्टम्स हैं थिंकिंग के जिससे और तरह के माइंडसेट्स बन जाते हैं। तो वो कौन से माइंडसेट्स हैं विक्टिम मेंटालिटी के, वो देखते हैं। पहला है अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिनके भी विक्टिम माइंडसेट होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपनी सिचुएशन की। तो अगर किसी के साथ इशू भी हुआ है तो उसके बाद जो आपको फील हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हो सकता है झगड़ा सामने वाले ने करा है, बट वो ट्रिगर जो आपके अंदर वो इनिशिएट कर रहा है, उस ट्रिगर को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो विक्टिम मेंटालिटी जो है वो आपको प्रिवेंट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। अगला पॉइंट है नॉट सीकिंग पॉसिबल सोल्यूशंस। तो विक्टिम मेंटालिटी का और एक साइन ये है कि वो कोई भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं ढूंढते। इनफैक्ट उनको कोई भी सोल्यूशन दो तो उसमें भी वो प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। तो ये एक तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवॉइड करने का और उसी मोड में अटके रहने का। तो जब आप विक्टिम मोड में अटके रहेंगे तो आपको सेल्फ पिटी करने का मौका मिलेगा और वो एडिक्टिव है। आपको अच्छा लगता है, आपको सिंपथी गार्नर करने का मौका मिलता है और वो आपको उस स्टेट में रहने के लिए और मोटिवेशन मिलता है। अगला पॉइंट है नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड सेल्फ सैबोटेज। तो विक्टिम मेंटालिटी के लोग ज़्यादातर ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं कि मेरे साथ ही बुरा होता है, वो मेरे साथ ऐसा ही करता है या करती है, मेरे किस्मत में तो ये है ही नहीं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो रोते रहना ये एक साइन है। अगला पॉइंट है अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस। तो हमेशा विक्टिम्स जो हैं वो अपने सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे ब्लेम करते हैं और वो ये बिलीव भी करते हैं कि जो भी हो रहा है उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप हेल्पलेस हो टोटली अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। तो ये भी एक उनको लीवे दे देता है कुछ ना करने के लिए, मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि कुछ हो नहीं सकता इसका, तो आप ऐसे ही बैठे रहो, विक्टिम ही बने रहो। अगला जो साइन है विक्टिम मेंटालिटी का वो है फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड रिजेंटमेंट। तो जब ये सारे ऊपर के पॉइंट्स जब ये अनरिजॉल्व्ड रह जाते हैं तो वो जो है वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर और रिजेंटमेंट में लीड करते हैं, विच कैन आगे चल के डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं सिचुएशन में और आपको लगता है कि जो सिचुएशन है उससे आप निकल नहीं सकते कभी, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली एंगर और फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नेगेटिविटी का लूप है जो फंसते चले जाते हैं जिसमें। तो आप विक्टिम से विक्टर कैसे बने, कैसे क्रिएटर बने, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कैसे लें, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक सिमिलर वीडियो जो है, अगर आप विक्टिम मोड में रहेंगे तो आपकी लाइफ में ड्रामा आप बहुत अट्रैक्ट करेंगे, जिसमें आप एक विक्टिम है, एक सर्वाइवर होगा, रेस्क्यूअर होगा जो आपको उस मोड से बचाएगा। मतलब आप उन लोगों के पास ज़्यादा टेंड टू आप अट्रैक्ट होंगे या आप उन लोगों के साथ पास ज़्यादा जाना चाहेंगे जो
आपके विक्टिम मोड को समझें और आपको सिंपथी दें, और एक होगा विलेन जो आपको विक्टिम मोड में डाल रहा है। तो ये एक ट्राइंगल है, ड्रामा ट्राइंगल जो हम प्ले करते रहते हैं अनकॉन्शियसली। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखना, लिंक मैं ऊपर डाल दूँ। ये भी जानना ज़रूरी है कि हम विक्टिम मोड में क्यों अटक जाते हैं। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि कोई पास्ट ट्रॉमा हुआ हो आपकी लाइफ में, जिसके कारण आपका विक्टिम बने रहना आपको सेफ लगता है, क्योंकि लोग आपको सिंपथी देंगे तो आपको वो अटेंशन मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। दूसरा मैनिपुलेशन हो सकता है एक तरीके का, कि जब आपको जो चाहिए वो करवाना है सामने वाले से, तो आप विक्टिम मोड में आ जाते हो ताकि सिंपथी गेन करके आप सामने वाले से वो करवा सको जो आप चाह रहे हो। तीसरा हो सकता है कोडिपेंडेंसी, यानी कि आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो बहुत ज़्यादा हद तक, जिसके कारण भी आप विक्टिम बन जाते हो। चौथा हो सकता है बिट्रेयल, तो किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो बचपन में या फिर कोई भी पास्ट इवेंट में, तो आपको ट्रस्ट करने में भी डिफ़िकल्टी होगी और आप विक्टिम मोड में ही फंसे रहेंगे क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो ये चार प्राइमरी रीजंस हो सकते हैं कि क्यों आप विक्टिम मोड में ही अटके हुए हैं अभी तक, बट इससे चेंज कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो पहला तरीका है, तो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। तो कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में आपको कैसा फील हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली आपकी है। तो सिचुएशन कितनी नेगेटिव हो, आप कैसा फील कर रहे हैं ये आपके हाथ में है, और आगे आप क्या कर सकते हैं ये भी आपके हाथ में है। तो लोगों को ब्लेम करके कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, तो बेटर है कि आप अपने थॉट पैटर्न्स चेंज करके आप अपनी लाइफ को डायरेक्ट करिए आगे। कहना बहुत आसान है नेगेटिव सिचुएशंस में, आई कैन अंडरस्टैंड, ये करना बहुत मुश्किल है, बट आप एटलीस्ट ये लिख सकते हैं कि इस सिचुएशन में आप नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगला पॉइंट है बी काइंड टू योरसेल्फ, मतलब कि आप में सेल्फ लव और सेल्फ फॉरगिवनेस की कमी है, इसलिए कई बार ये होता है कि हम विक्टिम मोड में रहना पसंद करते हैं और अपने आप को पावरलेस और हेल्पलेस फील करते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो जब आपका सेल्फ लव हाई रहेगा, आप अपने लिए कंपैशनेट और काइंड रहेंगे, तो चांसेस हैं कि आप क्रिएटर बन सके, आप विक्टर बन सके विक्टिम मोड से निकल के। तो अपने सेल्फ लव पे काम करिए, काइंड रहिए खुद से, और आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिस्ट कीजिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, और स्ट्रेंथ्स को फोकस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो कई बार जब हम विक्टिम मोड में रहते हैं तो हम बहुत ही अनग्रेटफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, हम हमारी लाइफ में जो अच्छा चल रहा है हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, और उन चीज़ों पर फोकस करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है जो गलत हो रही है, क्योंकि वो हमें सेल्फ पिटी में रहने के लिए एनकरेज करती है। और जब सेल्फ पिटी मतलब अपने आप के लिए बुरा फील होना वो मोड में हम रहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी ईगो बहुत बूस्ट होती है, क्योंकि हमें सिंपथी मिलती है, हमें रीज़न मिलता है कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी सिचुएशन के लिए, बट पूरी दुनिया रिस्पॉन्सिबल है, दुनिया ही ख़राब है। तो ये मोड काफ़ी एडिक्टिव है, एडिक्शन होता है इससे, बट ये हेल्प नहीं कर रहा है आपको ग्रो होने के लिए, इसलिए उन चीज़ों पर फोकस करिए जो आपकी लाइफ में अच्छी चल रही है, और उसे कैसे बढ़ाएं उन पर फोकस करिए। तो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करिए। अगला पॉइंट है बी काइंड टू अदर्स। तो जब हम विक्टिम मोड में रहते हैं तो ज़्यादातर हमारी मेंटालिटी ये रहती है कि दुनिया बहुत ख़राब है, बट जब आप काइंड होना चूज़ करते हैं तो आप कैसे दुनिया को बेटर कर सकते हैं ये आपके कंट्रोल में है, उस चीज़ पे आपका फोकस जाता है। तो आप दुनिया को कैसे बेटर कर सकते हैं अपनी काइंडनेस से, खुद के तरफ और दूसरों के तरफ, ये आपको करने का मौका मिलता है, तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगला है फॉरगिव अदर्स। तो दूसरों को भी फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला जो आपके साथ गलत कर रहा है वो उसके इमोशनल और स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के हिसाब से कर रहा है। अगर वो बेटर कर सकता था वो तो वो करता, बट वो उसका लेवल नहीं है तो वो नहीं कर पा रहा है। तो फॉरगिव करके आप फ्री हो जाओगे और विक्टिम मोड से बाहर निकल पाओगे। अगला पॉइंट है बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखिए। बट विक्टिम मोड में रहने के कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम पर एक हिट हो सकता है, आपका कमी हो सकती है, जिसके कारण ही आप विक्टिम मोड में हैं। तो उसे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आखिरी पॉइंट है शिफ्ट फ्रॉम बीइंग विक्टिम टू सर्वाइवर। तो
विक्टिम मोड के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये मुझसे नहीं हो सकता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, बट आप माइंडसेट शिफ्ट करके आप सर्वाइवर मोड में कैसे आ सकते हैं जब आप अपने स्टेटमेंट्स बदल सकते हैं। तो आप वाई मी की जगह आप ये पूछिए कि वॉट नाउ, आप अगला स्टेप क्या ले सकते हैं अपने सिचुएशन को बेटर करने के लिए। अगला पॉइंट है फाइंड द सोर्स ऑफ योर विक्टिम हुड। तो कई बार जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है जिसके कारण आप विक्टिम मोड में रहते हैं, शायद आपको कभी बुली किया हो बचपन में, या आपके पेरेंट्स का लैक ऑफ अटेंशन एंड सपोर्ट इमोशनली या फिजिकली। तो ये सारी चीज़ें कैन लीड टू बीइंग अ विक्टिम, या फिर कोई आपके साथ ऐसी इंसिडेंट हो गई, किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो ये चीज़ें जो है आपको एक विक्टिम की तरह होने में मजबूर कर सकती हैं। तो अपने पास्ट को ढूंढिए, उसे फेस करिए और उससे आप अपने आप को फ्री करिए ताकि आप विक्टिम मोड में ना अटके रहें। ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए सुनिए जो अपने ख़राब सिचुएशन से बाहर निकल पाए, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और अगर आपको इसमें और डिफ़िकल्टी हो तो आप एक लाइफ कोच की गाइडेंस भी ले सकते हैं, मेरे वेबसाइट पर इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। तो जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो माइंडसेट है वो शिफ्ट होगा विक्टिम से एक क्रिएटर के रूप में, विक्टर मोड में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं एक मोर एम्पावर्ड लाइफ जीने के लिए। तो अगर आप विक्टिम मोड में ही अटके रहेंगे तब नेगेटिव सिचुएशंस, ड्रामा, ये सब काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। बट जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि अपनी सिचुएशन आप कैसे चेंज कर सकते हैं या इन चीज़ों से आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं अपनी लर्निंग्स को कलेक्ट करके, तो आप एक क्रिएटर के रूप में जिएंगे जो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को इनर पीस के साथ जी रहा है। मेरे ब्लॉग में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि अगर आप जानते हैं आपकी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई विक्टिम मोड में रहता है तो उनसे आप कैसे डील कर सकते हैं, मैंने डिटेल में मेरे ब्लॉग में लिखा है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और सारे पॉइंट्स एक छोटे वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो आप प्लीज़ इस ब्लॉग को पढ़िए और मेरे पॉडकास्ट को भी सुनिए जिसमें मैं सारे पॉइंट्स डिटेल में कवर कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तो मेरे इंग्लिश कंटेंट को mindsutra.in पर आप और फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह की कंटेंट को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय।